my peace, God. ये HCF और LCM का RS अग्रवाल से पार्ट 15 है, प्रश्नमाला 2A। तो 40वां प्रॉब्लम को समझाने से पहले वैसे जो बतलाने जा रहे हैं बतला चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसे मान लो 4 और 6 का LCM कितना होगा, 12 होगा, 12 ही होगा। 4 6 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 तिया 12। तो इसका अर्थ है 4 और 6 का LCM वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 4 और 6 विभाजित कर रहा है। तो सबसे छोटी से ठीक बड़ी संख्या कौन सी होगी, फिर उससे ठीक बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसके लिए हम शुरू में ही बतला दिए थे 4 6 का LCM 12 है। अब 12 सबसे छोटी संख्या है जिसको 4 6 काटेगा, क्योंकि 4 6 का LCM है 12। तो 12 से बड़ी संख्या को कौन सी संख्या होगी जिसको 4 6 काटेगा, तो 12 गुने 2 कर दो, तीसरी संख्या 12 गुने 3, चौथी संख्या 12 गुने 4, फिर अगली संख्या 12 गुने 5, इस तरह से होता जाएगा। तो ये 12 हो गया, 12 गुने 1 हुआ ना, तो ये हुआ 12, ये 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, देखो तो 12 12 24 12 36 12 के अंतर पर चल रहा है। ये तो एपी हो गया, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, जिसके पहला पद हुआ 12, ए बराबर हो गया 12, डी बराबर 24 माइनस 12 12 है ना, एपी हो गया। तो खैर अब 12 वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 4 एवं 6 काटेगा। 12 से बड़ी कौन सी संख्या होगी, तो 12 में 12 जोड़ते चले जाओ और लिखते चले जाओ। तो देखो ना, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 4 छक्के 24, 6 चौका 24 है ना, 4 9 4 गुने 9 4 9 36 छचा कर 36, 4 6 से कटने वाली ये अनंत संख्याएं प्राप्त होगी। अगर मान लो सब संख्या में हम लोग x जोड़ ले, LCM 12 है ना, तो 4 और 6 किस संख्या को काटेगी, तो 12x को काटेगी। ध्यान दो, 4 और 6 किस संख्या को काटेगी, तो 12x को काटेगी, जहां x बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक गिनती की संख्याएं होगा। अब 12x का मान 1 रखेंगे तो 12 हो गया, x का मान 2 रखेंगे तो 12 गुने 2 24 हुआ, x का मान 3 रखेंगे तो 12 गुने 3 12 तिया 36 हुआ, यानी 12x को काटेगा। तो 12x को काटने का अर्थ है 12x प्लस 1, यानी x का मान मान लो 1 लिए, x बराबर 1, तो ये कितना हो गया, 12 कैन 12 1 13 हो गया। 13 में LCM 12 से भाग देंगे, सॉरी 13 में 4 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, क्योंकि 12x को ना काट रहा है 4 और 6, एक जोड़ दिए तो एक फाजिल हो गया। तो 12 अगुने 1, 12 कन 12 1 13, अब 13 में 4 से भाग दो, 4 तिया 12, शेष बचा 1, बच गया 1, ये शेष। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 4 और 6 से भाग दे तो शेष 1 बचेगा। तो 12x को तो 4 और 6 काटेगा ही, और शेष 1 बचेगा, यानी 12x में 1 जोड़ दो, x का मान 1 लिए तो 12 1 13, 13 में 4 से भाग दिए तो शेष 1, 6 से भी 13 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12, शेष 1 बचा। अगर मान लो x का मान 2 लेते हैं
तो 12 दूनी 24, 1 25 हो गया, हो गया। तो चूंकि ये शेष एक हम जोड़ दिए हैं तो इसका मतलब 12x को 4 और 6 काटेगा, उसमें एक जोड़ दिए तब रिजल्ट 25 आ रहा है, एक जोड़े यानी ये है 24, 24 एक 25 न हुआ, तो 25 में 4 6 से भाग देंगे तो पर भी शेष एक बचेगा, 4 छक्के 24 शेष एक, 6 चौका 24 शेष एक, है ना। x बराबर अगर 3 ले तो 12 तिया 36 एक 37, 37 में 4 से भाग दो, 4 9 36 शेष एक, 6 गुने 6 36 शेष एक बच रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर ये दिया रहे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 4 और 6 से भाग देने पर शेष 2 बचे, तब क्या करेंगे, क्योंकि 12x को तो काटेगा ही 4 और 6 और शेष 2 बचे, तो इसका मतलब शेष 2 बचे तो 12x को काटेगा और 2 एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो x बराबर अगर मान लो 1 लेते हैं तो 12 कन 12 दो 14, 14 में 4 से भाग दो, 4 तिया 12 शेष 2, शेष ये 2 बचा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बराबर दी गई संख्या, पता है ना। तो शेष कितना बचेगा वो 12x में जोड़ देंगे, यानी जो एलसीएम निकलेगा उसमें 1 2 3 4 से गुना करेंगे तो तमाम संख्याओं को दी गई संख्या काटेगा। अब शेष कितना बचाना है तो जितना बचाना है उतना तो 12x में जोड़ दो, निष्कर्ष ये है, समझे। तो अब आंसर 40, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, 7 का गुणज बोलो, तो 7 का गुणज का अर्थ हुआ 7 गुने 1, 7 गुने 2, 7 गुने 3, 7 गुने 4, इसी तरह 7 गुने 1 अरब, 7 गुने 1 अरब 1, है ना। तो 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, तो 7 का पहाड़ा पढ़ दो वही इसका गुणज कहलाता है। पहाड़ा का अर्थ क्या होता है, बचपन में हम लोग पढ़ते हैं ना, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, तो ये हो गया 2 का पहाड़ा, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो 3 का पहाड़ा। तो जिस संख्या का गुणज लिखना हो उस संख्या का पहाड़ा लिख दो। तो वह छोटा से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो आंसर नजर आ रहा है, अभी जो उदाहरण दिए हैं, तो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 भी बचना है, 4 बचना है, और वह 7 का गुणज होना चाहिए वह संख्या जिस संख्या में 6, 9, 15, 18 से भाग देंगे तो शेष में 4 बचेगा। तो 6, 9, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे, वह सबसे छोटी संख्या होगी जिस संख्या को 6, 9, 15, 18 संपूर्ण रूप से विभाजित करेगा। तो 6, 9, 15, 18 का एलसीएम 6, 9, 15, 18 का एलसीएम 6, 9, 15, 18 सीधे 3 से भाग दो, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 2 से भाग दो, 2 × 1 = 2, 3 × 5 2 × 3 = 6, फिर 3 से भाग लगेगा 1, 3 × 1 = 3, 5 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 36, 18 × 5 = 90, यानी इसका एलसीएम हो गया 90। तो इसका एलसीएम 90 हुआ, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 6, 9, 15, 18 90x को काटेगा, काटेगा जहाँ x बराबर 1 2 3 4 ……… होगा ना, अर्थात 6 9 15 18
नब्बे एक्स को पूर्ण रूप से, दूसरा कलम लो, पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, करेगा न जी, पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, ये भी बात लिखना है, जहाँ x इजकल टू गिनती की संख्या नेचुरल नंबर एक दो तीन चार डॉट डॉट डॉट। अब कह रहा है यानी 6, 9, 15, 18, 90 एक्स को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, अब फिर बोल रहा है प्रत्येक दशा में शेष चार बचे, यानी 6, 9, 15 को 6, 9, 15, 18 पूर्ण रूप से काटेगा और शेष चार बचना चाहिए, इसका मतलब प्राप्त संख्या कैसी होगी। 90 एक्स को तो काट रहा है ये 6, 9, 15, 18 और शेष में देखो चार बच रहा है, इसको ऐसे भी समझो ये 90 हो गया तुमको भाजक, x हो गया भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है ना, तो ये संख्या कौन सी है जिस संख्या में, तो ये संख्या प्राप्त संख्या ये होगा आंसर, बोलो 90x+4 में 6, 9, 15, 18 से भाग देंगे तो शेष चार बचेगा, क्योंकि 90x को काट रहा है, चार एक्स्ट्रा है। तब इसमें प्रश्न में कह रहा है वह 7 का गुणज होना चाहिए, यानी ये 7 का गुणज भी है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से 90x+4 7 का गुणज है, जब 7 का ये गुणज है तो इसका अर्थ है x का कौन सा मान देंगे ताकि पूरे को जो हल करेंगे 90x+4 को तो 7 से भाग लग जाए। तो अब देखो अगर x बराबर 1 देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 90x, 90 × 1 + 4 तो 90 × 4 = 94 होगा ये संख्या, x बराबर 1 देंगे तो ये हो गया 90 × 1 + 4 तो 90 × 4 = 94 हो गया यह संख्या। अब दो उसका साउंड दी, तो अगर x का मान 1 लेते हैं तो संख्या क्या हो जाता है, 90 × 1 90 × 4 = 94 तो 94 क्या वह संख्या है जो 7 का गुणज है, 94 में 6, 9, 15, 18 से भाग दोगे तब शेष में तो 4 बचवे करेगा, लेकिन ये 94 7 का गुणज नहीं है, जैसे 6 से भाग देंगे 15 × 6 = 90 शेष 4 होगा, 9 से भाग देंगे तो 9 × 10 = 90 शेष 4, 15 से भाग दो 15 × 6 = 90 शेष 4, शेष तो 4 बच रहा है, लेकिन ये संख्या 94 7 का गुणज नहीं है, कोई भी संख्या अपने गुणज को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। 20 2 का गुणज है, 2 के पहाड़ा में आता है तो 2 × 20 20 4 का भी गुणज है, 4 से भाग दो 4 के पहाड़े में आता है 4 × 5 = 20 4 × 5 = 20 5 का भी गुणज है, तो क्या 94 है गुणज 7 का, नहीं है, क्योंकि शेष बच जाएगा 13 × 7 = 91 शेष में 3 बच गया, यानी पूर्ण रूप से 94 को नहीं काटता है, 7 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, इसका मतलब तब अब x का मान 1 दिया तो x का मान 2 देना है, तो 90 × 2 = 180 = 184 होगा, 7 काटेगा नहीं काटेगा, 7 × 2 = 14 = 44 बच गया, शेष में 2 बच जाएगा, x का मान 3 रख करके देखेंगे तो 90 × 2 = 70 = 4 = 274 इसको 7 काटता है तब न 7 का गुणज होगा 7
तिया 21, 6 64, 7 9 63 नहीं काटा। x का मान 4 2, 90 चौका 360 और 4 364, 7 काट रहा है तो 7 5 35, शेष 1 14, 7 2 14 काट दिया है ना। इसका अर्थ है x का मान यहाँ 4 देने पर 7 का गुणज प्राप्त हो जाता है। अगर x बराबर 4 दें तो 90x+7=90×4 7, शेष में 90x+4, एक्स बराबर 4 दें तो 90x+4=90x का मान 4 जोड़ 4 कितना हो गया 90 चुका 360 जोड़ 4=364। अतः 364 वह संख्या है जो 7 का गुणज है, गुणज भी है एवं जिसमें 6 9 15 18, 6 9 15 18 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, शेष 4 बचता है, शेष 4 बचता है। इसलिए आंसर कितना होगा, संख्या निकालना था 364। अब 364 में 6 से भाग दे करके देखो शेष 4 बचता है तो 364, 6 से भाग देंगे 6 6 36 कट गया, उतरा 4 भाग नहीं लगा 0, शेष में 4 बचा। 9 से भाग दो, 9 चौका 36 कट गया, शेष 4 नहीं भाग लगा 0। 15 से भाग दो, 15 2 30 है ना, बच गया 6 4, 15 चौका 60 शेष बचा 4, यानी 18 से भी भाग देंगे तो शेष 4 ही बचेगा और ये 7 का भी गुणज हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तरीका समझी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, तो अगला प्रॉब्लम 41, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिस हिसाब में ऐसा स्टार्टिंग ही हो, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी तो समझ जाना एलसीएम की बात है, एलसीएम की परिभाषा में ही स्पष्ट है ना। वह छोटी से छोटी संख्या दी गई संख्याओं का एलसीएम होता है जिस संख्या को दी गई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित करता है। तो ऐसा मैथ का क्वेश्चन जब ये रहे वह छोटी से छोटी संख्या, तो समझ जाना एलसीएम इसमें काम करेगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे परंतु 13 से पूर्ण किया विभक्त हो, उसी टाइप का हिसाब है। तो 5 6 8 9 12 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 5 6 8 9 12, 2 से भाग देंगे 3 2 6 4 2 8 6 2 12, फिर 2 से भाग दो 5 3 2 9 3, 3 से 1 2 3 1, अब नहीं लगेगा, 2 2 4 तिया 12 5 60, 2 1 120 तिया 360, इसका 360 हुआ एलसीएम। तो इनका एलसीएम 360 हुआ, तो इसका अर्थ 5 6 8 9 12 के लिए 360 सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या को ये संख्याएं काट रही हैं, और अन्य संख्याएं क्या होगी तो 360x होगा
जहां x बराबर गिनती की संख्याएं अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन है। इसी बात तो हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात दी गई संख्याएं 360x को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी जहां x बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अर्थात नेचुरल नंबर्स गिनती की संख्याएं है ना। फिर प्रश्न में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वो तो 360 होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष एक बचे यानी 360 में एक जोड़ो या 360x में एक जोड़ दो। 360 को काट रहा है तो इसका अर्थ है 360 × 1 तो 360x को काट रहा है ना, ये संख्याएं एक देंगे तब सबसे छोटी संख्या होगी जिसे काटेगा और वह एलसीएम होगा इन संख्याओं का। तो x बराबर 2 देंगे, एक देंगे तो 360, दो देंगे तो 360 × 2 तो 720, 36 × 72, 3 देंगे तो 36 × 108, 1080, समझ रही है। x का मान 4 देंगे तो 36 × 72 × 144, 1440। x का मान 5 देंगे तो 36 × 5 = 180 यानी 1800 है ना। 6 देंगे तो 36 × 108 = 216, 2160। इसी तरह से बढ़ता चलो 10 तक लिख ही लेते हैं। कितना से गुना करना था, 6 से किए, x का मान 6 लिए, 7 लेंगे तो 7 × 6 = 42, 4 × 7 = 21, 4 × 25 = 2520। तो इस तरह से हम लोग x का मान 1 लिए तो 360, 2 लिए तो 720, इसी तरह से x का मान 10 लिए लास्ट में तो 360 × 10 = 3600 यानी अनंत की ओर ये भागेगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 360 है, इसीलिए परिभाषा ही है सबसे छोटी संख्या। जिस संख्या को दी गई संख्याएं अगर काट रही है तो ऐसी सबसे छोटी संख्या को एलसीएम कहते हैं, दी गई संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम तो प्राप्त हो गया, उसके बाद इन संख्याओं से चूंकि परिभाषा में सबसे छोटी तो सबसे छोटी का मतलब बहुते है उसमें सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये है तो बहुते जो होगा इससे सब आगे ही होगा। तो इसीलिए आगे कौन सा होगा तो एक्स का मान गिनती की संख्या से दिया। इसको समझ गए ना। अब इसमें कह रहा है प्रत्येक दशा में शेष एक बचे यानी इन संख्याओं को काटेगा ये संख्या, तो प्रत्येक दशा में शेष एक बचे अगर 360 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 361। 360 में शेष शून्य आता है, एक जब ये अधिक लेंगे तो शेष में एक बचेगा, बचेगा ना। 720 को ये संख्याएं काट रहा है, शेष में शून्य आता है, तो एक अगर अधिक कर दे 721 कर दे तो ये 721 में से 720 घटेगा तो शेष एक बचेगा। तो ये 721 इसको कर दोगे तो पर भी शेष एक बचेगा। 1080 को ना काट रहा है, एक फाजिल कर दो 1081 तो एक बढ़ा दिए तो ये शेष के रूप में एक बच। अब ये 1800 को काट रहा है तो शेष एक बचने के लिए 1800 में एक जोड़ दो तो 1801 होगा ना। फिर 2160 के बदला क्या होगा, 21 से 61 शेष एक बचेगा। 2520 हो गया 2521, एक जोड़ते चले जाओ ये 2881, ये 3241, ये 3601। हम लोग इतना ही पर ट्राई करते हैं, संख्या तो इससे आगे अनंत है
लेकिन वह सबसे वह छोटी से छोटी यानी इनमें कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से विभाजित होने के बाद शेष एक बचे और 13 से भी पूर्ण रूप से कटना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं इसी से 300। तो ये जो कह रहा है 13 से पूर्णतया विभक्त हो तो इस सब में 13 से भाग देंगे तब पता चलेगा कौन सी संख्याएं ऐसी है इन दी गई संख्याओं में जो 13 से पूर्ण रूप से विभक्त हो रहा है। तो ऐसे हम लोग देखते जाए 13 से भाग देंगे तो 13 8 104 चार एक ये नहीं कटेगा, ये 13 से भाग देने पर ये भी नहीं कटेगा और 50 12 127 ये भी नहीं कटेगा और 8 6 ये भी नहीं कटेगा। 13 से इसमें भाग देंगे तो 12 122 9 ये भी नहीं कटेगा, 2 8 2 13 2 26 13 2 26 2 एक ये भी नहीं कटेगा और 13 2 26 6 64 13 5 ये भी नहीं कटेगा, 3601 ये कट जाना चाहिए, 3601 ये कट रहा है, ये आंसर होगा। इसको हम भाषा में लिख देते हैं कैसे लिखाएगा, देखो शेष एक बचे तथा 13 से पूर्ण रूप से कटे इसके लिए जो संख्या होगी वह संख्या क्या होगी, 360x+1 360x को तो ये सब काट ही रहा है और शेष एक बचा दिए हैं यानी एक अधिक कर दिए जोड़ करके तो ये संख्या होगी। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, यह संख्या 13 से भी पूर्ण रूप से कटे तो x का कौन सा मान रखेंगे, तो x का मान 10 रखने पर वह संख्या 360 × 10 3601 प्राप्त हो जाता है और इसमें भाग देंगे इन संख्याओं से तो एक कम 3600 को ये सब काट रहा है तो शेष में एक बच जाएगा ना, तो पाठ लंबा हो जाएगा 42वां अगले ही पाठ में बतलाएंगे।